यहाँ हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं जो कि दुकान पे होते हैं, ये मुझे गाइड करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी इनके पास जो है वो वैरायटी मौजूद है यहाँ पे फिशेस की। तो मैं अब इनसे जो है मालूमात हासिल करता हूँ कि कौन कौन सी जो है फिशेस यहाँ पे मौजूद हैं। चलें जरा देखते हैं जी। जावेद साहब ये बताइए ये कौन सी फिशेस हैं? ऑस्कर कहलाती है सर। ऑस्कर? ऑस्कर कहलाती जी जी। और ये सफ़ेद वाली हैं ये भी ऑस्कर हैं जी। इनको खाना खाने के लिए क्या डालते हैं? इनके खाने के लिए फीड आती है बाहर से। बाहर की फीड? हाँ, गोल दाने वाली होती है, ऊपर बड़ी हुई देखें। अच्छा, ये फीडें खिलाते हैं इनको, जानदार भी रहती है। सही। और वैरायटी भी वैसे भी जानदार है। सही सही सही। एक मिनट जरा इसको बुलाऊंगा। अच्छा, ये खाती हैं जी? ये फीड है? सही। ये फीड है, मेडिसिन है, सब इस्तेमाल करनी पड़ती है, सारी मेडिसिन है। ठीक है जनाब। इसके क्या हिसाब किताब है, इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत सर 1500 रुपये का पेयर है। 1500 रुपये का पेयर जी। अच्छा जावेद साहब, इन मछलियों के बारे में बताइए। ये जनाब सिल्वर शार्क कहलाती है। अच्छा, सिल्वर शार्क? जी हाँ, सिल्वर शार्क। अच्छा, और सबसे बेहतरीन और प्यारी मछली है। हाँ, बड़ी खूबसूरत है और बहुत तेज तर रहा है, बहुत तेज है, फुर्तीली बहुत है, बहुत ज्यादा माशाल्लाह से। हाँ, रफ्तार बहुत तेज है, रफ्तार है और सुस्त होती नहीं है, चलती अच्छा, रहेगी, चलती रहेगी। अच्छा अच्छा, सुस्ती नहीं है? नहीं, सुस्ती नाम की कोई बहुत बेहतरीन। सही सही। सिल्वर शार्क जी जी, क्या कीमत है इसकी? इसकी 1500 रुपये का पेयर है। अच्छा जी, 750 रुपये का। 750 रुपये की एक है ये जी। पेयर जो है ये 1500 रुपये का है। अच्छा जावेद साहब, ये कौन सी मछली है? ये मलावी चिकलेट कहलाती। क्या चीज? मलावी चिकलेट। मलावी चिकलेट जी। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक ब्लू, यानी दो चिकलेट हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक क्या है, इलेक्ट्रिक ब्लू है? हाँ, और एक मलावी। एक मलावी है और एक इलेक्ट्रिक ब्लू है। सही सही। इनके क्या रेट हैं? इनके रेट जो है सर 500 रुपये का पेयर है। 500 रुपये का पेयर है जी। जी जावेद साहब, इसके बारे में बताएं, ये कौन सी मछली है? ये गोल्ड फिश कहलाती है। अच्छा, ये गोल्ड फिश? जी जी। सही। अच्छा, एक तो गोल्ड फिश जो होती है वो पूरी की पूरी लाल होती है, इनमें थोड़े थोड़े धब्बे पड़े हैं इसके अंदर। इसका डिजाइन ही ऐसा है, इसमें केलिको कलर है जो आप कलर वाला देख रहे हैं ना। हाँ हाँ। और जो गोल्डन कलर में वो भी गोल्ड फिश ही, वो गोल्ड फिश ही है। कलर मुख्तलिफ है। एक जो पीली लग रही है उसको क्या कहते हैं? केलिको। केलिको? केलिको गोल्ड फिश। केलिको गोल्ड फिश। अच्छा अच्छा सही। इनके क्या दाम है? ये 1500 रुपये का पेयर है। 1500 रुपये का पेयर है। ये दूसरे एक्वेरियम में फंडोसा, फंडोसा ही है ना? फंडोसा ही है। दूसरे रेड जूल, एक इसमें रेड पीस जो पड़ा हुआ है जिसके ऊपर धब्बे धब्बे हैं उसको कहते हैं रेड रेड जूल ज्वेल। ये रेड ज्वेल है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। इसकी क्या कीमत है रेड ज्वेल की? ये 1500 रुपये का एक पीस। ये 1500 रुपये का एक पीस है। सही।
ये सब रहा। जी जावेद साहब, इसका नाम बताइएगा, कौन सी मछली? इसको कहते हैं सबरम। सबरम जी, इसका बड़ा पीस जो है वो 10,000 रुपए का है। जो ये छोटा, ये जो बड़ा पीस जो मैं अभी बड़ा दिखा रहा हूँ, 10,000 रुपए की एक है। अच्छा, और ये एक सेकंड, और ये छोटी वाली जो है, छोटी वाली की कीमत है 5,000 रुपए का एक। ये 5,000 रुपए की एक है। अच्छा, ये कहाँ तक बड़ी होती है, कितनी बड़ी हो जाती है? तकरीबन 1.5 किलो की हो जाती है। 1.5 किलो तक पहुँच जाती है ये। सही सही। अच्छा यार, ये छोटी चिकलेट्स हैं जो कि हमने दूसरे यानी कि उसमें देखी थी, ये बिल्कुल बच्चे हैं, है ना? छोटे हैं ना ये? छोटे छोटे बच्चे हैं, चिकलेट्स के छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये छोटे बच्चे कितने के देते हैं आप लोग? ये 200 रुपए का पेयर होता है। 100 रुपए की एक और 200 रुपए की दो, यानी कि 200 रुपए का पेयर होता है। इसमें भी मेरे ख्याल से ब्लू वाला जो है वो स्ट्रिंग रे, क्या बताया था आपने? इलेक्ट्रिक ब्लू है इसके अंदर, जो ब्लू दिख रही है धारीदार। बाकी पीली है, लाल है, और ज़ेब्रा फिश है। जी हाँ, लकीर वाली जो है ना, वो ज़ेब्रा फिश। जी जावेद साहब, इन मछलियों के बारे में बताइए, कौन सी है? ये बैलून मूली कहलाती है सर। बैलून? बैलून मूली। मूली? जी जी, मूली। बैलून मूली? जी जी, सही। और ये बच्चे बहुत देती है। बच्चे बहुत देती है ये, यानी कि बहुत नस्ल बढ़ाती है। हाँ। अच्छा, इसकी जो है क्या कीमत चल रही है, क्या है? 500 रुपए का पेयर चल रहा है। 250 रुपए की एक है? जी हाँ। 500 रुपए की दो है, पेयर है इसका। ठीक। अच्छा, इसमें ये कैसे पता चलता है कि ये नर है ये मादा है? इसमें सब पता चल जाता है, हम कस्टमर को बता देते। अच्छा, नहीं तो पहचान क्या है इसकी? पहचान जो है ना, वो मादे की जो पेड़ है वो मोटा होगा। अच्छा, और नर के जो ऊपर के पर है ना वो बड़े होंगे। अच्छा अच्छा, ये जी जावेद साहब, इनके बारे में बताएं, ये कौन सी मछलियाँ? फंडोसा कहलाती है, चिकलेट की वैरायटी है। चिकलेट की वैरायटी है, क्या कहलाती है? फंडोसा। फंडोसा जी। अच्छा जनाब, अच्छा व्यूअर्स, ये फंडोसा कहलाती है। ये बिल्कुल जेबरा की तरह इसके ऊपर लकीरें पड़ी हैं, जैसे जेबरा होता है उस तरह से। अच्छा, इनकी आप कीमत पूछते हैं कि इनकी क्या कीमत है पेयर की? इसकी कीमत 3,000 रुपये। 3,000 रुपये का पेयर है ये? अच्छा, यानी कि 1,500 रुपये की एक है। जी। जी जावेद साहब, जी ये सिल्वर डॉलर कहलाती है। ये कौन सी मछली कहलाती है? सिल्वर डॉलर। सिल्वर डॉलर जी। इसके क्या हिसाब किताब है, क्या दाम है? ये 6,000 रुपए का जोड़ा है। 3,000 रुपए की एक है जी। 6,000 रुपए का जोड़ा है जी।
जी जावेद साहब, ये बताइएगा ये कौन सी मछली है? ये डिस्कस कहलाती है सर। डिस्कस? जी जी। ये कहाँ तक पहुँच जाती है साइज में? ये साइज में से भी बड़ी हो जाती है, समझ ले इसकी डबल लगा ले। अच्छा, है कि समझे पूरे एक फीट की हो जाती है? जी हाँ। अच्छा, इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत 6,000 रुपये का एक पीस है। 6,000 की एक है ये? जी। अभी तक जितनी मछलियाँ देखी उनमें सबसे महंगी यही? सबसे महंगी अभी ये। मछलियों में सबसे प्यारी मछली डिस्कस, बहुत खूबसूरत। इसके अभी कलर नहीं है, बहुत कलर आते हैं। अच्छा, अभी माल 15 दिन के बाद। अच्छा साहब, बताइए कौन कौन से रंग आते हैं? रंग बताइए। इसमें येलो आता है, ब्लू आता है, ग्रीन आता है, और पीला तो आपने देख लिया। सब इतनी ही कीमत की होती है? जी जी, इसी कीमत की होती है। या किसी रंग की बहुत ज़्यादा कीमत? बहुत ही वैरायटी के हिसाब से, जैसा साइज हो वैसी रेट है। अच्छा जावेद साहब, ये कौन सी मछली है? ये ब्लैक गोश्त कहलाती है सर। अच्छा, ये छुपके रहती है, बड़ी शर्मिंदगी सी। जी हाँ, ये एक जगह पे छुपी हुई है ये, अपना घर बना कर रह रही है। अच्छा, ये बोतल में अपना घर बनाया? ये अपना घर बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, जब दिल बोले कीड़े खाने के लिए निकल जाएगी। अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की मालिक है, लोग यहीं के ज्यादा सामने नहीं आती। बिल्कुल सही सही। अच्छा, ये देखिए एक जो है ना, एक पेड़ों के पीछे छुपी हुई है। ये पेड़ों के पीछे भी रहती है, बोतलों में भी रहती है। सही सही, इसको इसी तरीके से हम बजाते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ी प्यारी चीज है। सही सही। अच्छा, कुल दो हैं आपके पास? जी अभी दो। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 2,000 रुपये का पेड़ है, 1,000 रुपये का एक पीस। 1,000 रुपये का एक पीस है जी। अच्छा अच्छा सही। जी जावेद साहब, इसके बारे में बताइए। जी ये ब्लैक वाली जो है वो कैटफिश है। ब्लैक वाली जो है जिसमें धब्बे पड़े हुए हैं? हाँ, वो काले काले हैं, वो कैटफिश की एक किस्म है। ये भी, और जो व्हाइट वाली पड़ी है वो एल्बिनो कैटफिश कहलाती है। व्हाइट वाली एल्बिनो कैटफिश कहलाती है। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से काई खाती है ना इसकी? हाँ, गंदगी कोरियन की काई वगैरह, शीशे के ऊपर गंदगी वगैरह वो सारी चाट सब सफा कर दी। सब चाट जाती है। अभी देखे ना, शीशा सफा किया, अब आराम से बैठी हुई, अब थोड़ी भूख लगेगी फिर उठेगी। अच्छा 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 सही। ये देखें, ये तो इसका मुंह भी खुला हुआ है और ऐसे ही लग रहा है जैसे शीशे को चाट रही है। शीशे को, इसका मुंह दिखाता हूँ मैं। ये क्या कहलाती है? ये डड्डू पैरेट कहलाते हैं। डड्डू पैरेट? पैरेट। अच्छा, यानी कि तोता फिश है। जी है। पैरेट फिश। ये भी चॉकलेट की वैरायटी है, मगर बड़ी जानदार है। सही, जबरदस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। ये भी चैन से नहीं बैठेगी, बस चलती रहेगी। अच्छा, चलती अच्छा, रहती रहती। हाँ, सही सही, घूमती रहेगी। अच्छा जावेद साहब, ये कितने की है कैटफिश? ये 1,500 रुपये का एक पीस होता है। 1,500 रुपये का एक पीस होता है। अगर यही छोटी हो तो फिर कितने की मिलेगी? ये 1,000 रुपये का, 800 रुपये का पेयर होता है। अगर छोटी हो तो 1,800 रुपये की। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी जावेद भाई, ये बताइएगा ये कौन सी मछली है? ये कार्प कहलाती है सर। कोई कार्प? कार्प कहलाती है। कार्प, इसको असल में कहते हैं कोई कार्प। कोई कार्प जी, ये बड़ी प्यारी मछली। ये कहाँ की नस्ल है, कुछ पता है आपको? ये थाईलैंड की नस्ल है। थाईलैंड से आती है? अच्छा अच्छा, ये वैरायटी में भी बड़ी जानदार वैरायटी। अच्छा अच्छा, इसके साथ जो एक शिपिंग घूम रहा है ना पीस ब्राउन कलर का, वो शिपिंग कहलाती है। अच्छा, ये जो ब्राउन, हाँ वो कारा भी है, शिपिंग कारा शिपिंग, वो बड़ी जानदार वैरायटी है। सही सही। और इसके जो है वो क्या है? इसकी कीमत जो है सर 1,000 रुपये का जोड़ा है, 500 रुपये की एक। अच्छा,
जी जावेद साहब, ये कौन सी मछलियाँ हैं? ये चिकलेट है। अच्छा, क्या कहलाती, क्या है ये? इसमें जो है ना आपका ज़ेब्रा फिश भी चिकलेट है और ये वाइट कलर की चिकलेट भी है। अच्छा, ठीक है। और इसमें केलिको कलर की भी चिकलेट है। ये घूम रही है, ये केलिको है, ये केलिको है जिसपे धब्बे पड़े हुए हैं। बड़ी प्यारी चीज है, बहुत। अच्छा, कीमतें क्या है इनकी? इसकी भी वही कीमत है, 1500 रुपए का एक पीस है, 3000 रुपए। 3000 रुपए की दो है, 1500 की एक है जी। अच्छा जावेद साहब, ये कौन सी मछली है? ये एंजल गलती है सर। एंजल फिश? जी, एंजल फिश। ये कितनी बड़ी हो जाती है? ये तकरीबन हाथ के बराबर समझ लिया। अच्छा, इतनी चौड़ी होती है। सही सही, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। अच्छा, इसमें भी रंग आते हैं? जी, इसमें भी बहुत रंग आते हैं, लेकिन अभी ख़त्म हो चुकी है। सही सही, काफ़ी सारे कलर हैं। अच्छा, और इसके दाम क्या है? इसकी कीमत जो है ना 1000 रुपये का पेयर है, 500 रुपये की है। एक सेकंड। हाँ जावेद साहब, इसकी कीमत रह गई थी, कीमत बताइए। इसकी कीमत सर 5000 रुपये का एक पीस होता है। अच्छा जी, जैसे वो महंगी मछली थी इसी तरह ये भी? हाँ, इसी तरह वही है। सही सही। अच्छा, उंगली के इशारे पे नाचती? जी जी, ये वो कहलाती है अपना, क्या बोलते हो, फ्लावर ऑन। फ्लावर? फ्लावर ऑन, फ्लावर ऑन कहलाती है फिश। ये अच्छा, वो रेडी है, बहुत अच्छी है। अगर इसको आप हाथों में लाएंगे ना तो ये आपके हाथों पे चलेगी। अच्छा, जहाँ जहाँ आप ले जाएंगे, इशारा करेंगे वहाँ आ जाएगी, जहाँ जहाँ इशारा करते जाएंगे वहाँ आ जाएगी, जहाँ आप दिल चाहे इसको चला सकते। सही, जबरदस्त। आपको ट्रेन करना पड़ेगा। सही सही सही। अच्छा अच्छा, और माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छी उठाती है। अच्छा, और अपने कलर भी कायम रखती है। सही सही, फर्स्ट क्लास चीज है। और ये एक पीस जो है ना ये 5000 रुपए का। अच्छा, 5000 रुपए की एक है ये? सही सही, एक पीस। सही, बहुत माशाल्लाह से प्यारी है। इसकी बड़ी है, अभी है ही नहीं, वरना वो मैं आपको दिखाते। अच्छा, बिक चुकी है वो, सिर्फ आप यूँ रखते थे ना, यूँ आती है। अच्छा, इशारे पे चलती है ये। सही सही, ये दरअसल आपकी उंगलियों को पकड़ने के चक्कर में। सही सही सही, ये तो हो चुकी चिकलेट। जी जावेद साहब, ये कौन सी मछलियाँ हैं? ये चिकलेट की वरायटी में, इसमें वाइट कलर भी है, पीला कलर भी है, ऑरेंज कलर भी है। हाँ, इसमें सारे कलर हैं। मलावी भी एक पीस पड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप? ये जो एक दब्बे दब्बे जैसे पड़े हैं, ये मलावी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मलावी। मलावी। और इसकी कीमत जो है ना 600 रुपये जो पेयर है। 600 रुपये का पेयर है, 300 की एक है। सही। केट भी शुमार से बना ले ताकि दोनों आ जाएंगे, ब्लैक और वाइट। तो एक लोगों के लिए नोली देगी भाई, ये ब्लैक अरे अब जलाई है। हाँ बताइएगा जावेद साहब, ये कौन सी है? ये जनाब इसमें चॉकलेट कहलाती है। इसमें मैंने आपको बताया था ब्लू चॉकलेट भी जी, ठीक है। और इसके अंदर एक अपना कमांडो चॉकलेट देख रहे हैं, जिसमें काले काले डब्बे पड़े हुए, ये लिए इस पर वर्दी के जलाने से पता चला है, वर्दी। और इसमें इलेक्ट्रिक ब्लू भी, सही ठीक है। और मलावी चॉकलेट भी, इसमें तीन चॉकलेट है, चार मिक्स है। और इसकी कीमत जो है ना 3000 रुपये का पेयर है। 3000 रुपए का पेयर है, 1500 रुपए की एक है। अब इसी की ओरिज का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कराची इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स का जो ये व्लॉग था आज, ये था जेपी एक्वेरियम्स का। जेपी एक्वेरियम्स का भी मैंने आपको विज़िट कराया, मुझे यकीन है आप लोगों को पसंद आया होगा ये व्लॉग। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखते रहें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। और बहुत मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, उसके साथ जो बेल आइकॉन है
उसको प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोगों को जो है आने वाली वीडियो से आप लोगों को आगाही मिले और बेल बजे और आपके पास वो वीडियो पहुंचे और आप लोग उसको देख सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बैकल ख़ास तौर पे जो है बेल को नहीं ऑन करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो का नहीं पता चलेगा। तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग जो है मेरी वीडियोज़ को पसंद करें और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा, बहुत मालूम आती है और इंशाल्लाह जो है एजुकेशन की भी वीडियोस जो हैं वो शुरू करूँगा मैं। और आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोगों की मोहब्बत की ज़रूरत है और आप लोगों की उल्फत से मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ और आप लोग हैं और आप ही लोगों के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक मेरे दम में दम है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकॉन ऑन करें उसकी नोटिफिकेशन की और हमारा इसी तरह चैनल देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जो है आपको से इजाज़त चाहता हूँ। आपको यकीन मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये जेबी क्या कहते हैं एक्वेरियम्स का जो विज़िट है ये पसंद आया होगा, मछलियाँ पसंद आई होंगी इंशाल्लाह, इससे कुछ आप लोगों ने मालूमात हासिल की होगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हम आप लोगों के दुआओं के तलबगार हैं और आप लोगों की दुआएं हैं, मोहब्बत है तो हम यहाँ तक पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया और चलते चलते बस यही है कि बस दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।